मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में इस बार भी 5 महिलाओं को शामिल किया गया है। कुल 52 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। इस लिहाज से महिलाओं का आंकड़ा देखा जाए तो ये केवल 9% होता है। मंत्रिमंडल से ज़्यादातर पुराने चेहरे गायब हैं। जिन महिलाओं को मंत्री पद मिला है उनमें हैं बेबी रानी मौर्य कैबिनेट मंत्री, गुलाब देवी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और प्रतिभा शुक्ला राज्य मंत्री, रजनी तिवारी राज्य मंत्री, विजय लक्ष्मी गौतम राज्य मंत्री, इससे पहले प्रमिला पांडे, अंजुला माहौर और सरिता भदौरिया के नामों पर भी काफ़ी चर्चा हो रही थी। अगर इन महिलाओं को शामिल कर लिया जाता तो योगी मंत्रिमंडल में 8 महिलाएं हो जाती। अगर ऐसा होता तो अब तक ये यूपी में सबसे ज़्यादा महिला मंत्रियों की संख्या का रिकॉर्ड हो जाता। हालांकि पिछली योगी सरकार में 52 मंत्रियों के बीच 3 महिला मंत्री थी। इस लिहाज से देखा जाए तो अपने दूसरे कार्यकाल में 52 मंत्रियों के बीच 5 महिलाओं को जगह देकर योगी आदित्यनाथ ने पहले से स्त्री शक्ति को पहले से ज़्यादा जगह दी है। अभी तक सबसे ज़्यादा महिलाएं नवी विधानसभा में नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल में रहीं, जब 48 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में 7 महिला सदस्य थी। नवी विधानसभा में ही वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में गठित 36 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 6 महिलाएं थीं। हालांकि ऐसा भी समय रहा है जब पूरे मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री नहीं थी। यूपी के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, उनके मंत्रिमंडल में एक भी महिला नहीं थी। उसके बाद चौथी विधानसभा में चंद्रभानु गुप्त और चरण सिंह की कैबिनेट में भी एक भी महिला नहीं थी। और जब 12वीं विधानसभा का गठन हुआ तब मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में बने 28 संसदीय मंत्रिमंडल में भी एक भी महिला मंत्री नहीं थी। अब आइए जानते हैं योगी कैबिनेट में किन महिलाओं को जगह मिली है। सबसे पहला नाम है बेबी रानी मौर्य, इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी बेबी रानी मौर्य को खास यूपी चुनाव के लिए वापस लाया गया था। बेबी रानी पश्चिमी और ब्रज क्षेत्र की बड़ी जाटों नेता मानी जाती हैं। आगरा ग्रामीण से जीतकर विधानसभा पहुंची, वो आगरा की मेयर और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी रहीं। 1990 में भाजपा से जुड़ने वाली मौर्य ने संगठन में कई अहम पदों की जिम्मेदारी संभाली। आगे गुलाब देवी राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनी हैं। पश्चिमी यूपी में सत्ता विरोधी लहर के बावजूद जीत कर विधानसभा पहुंची गुलाब देवी को फिर से योगी कैबिनेट में जगह मिली है। गुलाब देवी योगी मंत्रिमंडल में पहले भी मंत्री रहीं। वो संभल जिले की आरक्षित सीट चंदौसी से विधायक हैं। उन्होंने सपा की बिमलेश कुमारी को हराया था। इसी कड़ी में अगला नाम प्रतिभा शुक्ला राज्य मंत्री का है। कानपुर देहात के अकबरपुर रनिया से विधायक चुनी गई प्रतिभा को राज्य मंत्री का पद मिला है। प्रतिभा शुक्ला 2017 में पहली बार विधायक बनी थी। भाजपा के साथ महिलाओं को जोड़ने में भी प्रतिभा की अहम भूमिका रही है। 61 साल की प्रतिभा परास्नातक हैं। उनके पास 4.64 करोड़ रुपए की संपत्ति है। फेरिस्त में आगे बढ़ते हैं तो रजनी तिवारी राज्य मंत्री बनी है। रजनी तिवारी हरदोई जिले की शाहबाद विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार विधायक चुनी गई हैं। 47 साल की रजनी ने इस बार समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आसिफ को हराया है। रजनी के पास कुल 2.82 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अंतिम मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम राज्य मंत्री हैं। 59 साल की विजय लक्ष्मी गौतम सलीमपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार विधायक चुनी हुई हैं। पहली बार में ही उन्हें योगी सरकार में राज्य मंत्री बना दिया गया। 1992 से राजनीति शुरू करने वाली विजय लक्ष्मी गौतम भाजपा महिला मोर्चा की देवरिया नगर की अध्यक्ष रही हैं। इसके अलावा भाजपा की नगर उपाध्यक्ष, जिला महिला मोर्चा की 2 बार अध्यक्ष, भाजपा जिला मंत्री, भाजपा गोरखपुर क्षेत्र की मंत्री और भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य रही हैं। उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। खबरों के लिए देखते रहें द दस्तक 24। नमस्कार।